Hello student, today we see the next topic, that is redundancy. Okay, what is redundancy? That is, it is the term related to extra system component added to decrease the chance of total system failure. Okay, redundancy क्या है? Extra system component है जो कि add होता है और क्या करता है? डिक्रीज करता है सिस्टम फेल्योर चांस को. ओके, जो भी सिस्टम में फेल्योर्स होते हैं उसका जो चांस है, मीन्स कम से कम सिस्टम फेल्योर आते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिडंडेंसी, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा सिस्टम कंपोनेंट एडेड टू द पीएलसी. ओके, फर्स्ट इट इज यूज टू प्रोवाइड अ मिनिमम डिवाइस फेल्योर एंड मिनिमम एरर. ओके, ये क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है? मिनिमम डिवाइस फेल्योर प्रोवाइड करता है, मींस मिनिमम फेल्योर्स होते हैं इसके वजह से और मिनिमम एरर्स भी रहते हैं. ओके, सो सी द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज, इट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ प्रोसेस. मींस इसके वजह से क्या होता है, जो भी हमारी प्रोसेस है वो सेफली होती है. ओके, नेक्स्ट इट इज मेनली टू टाइप्स ऑफ रिडंडेंसी आर यूज. दो टाइप की रिडंडेंसी हम लोग यूज करते हैं. फर्स्ट इट इज हॉट रिडंडेंसी और सेकेंड इट इज कोल्ड रिडंडेंसी. ओके, इन दिस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी डायग्राम. फर्स्टली दिस इज द सीपीयू फर्स्ट एंड दिस इज सीपीयू सेकेंड. ओके, एंड दिस इज स्विच ओवर द कंट्रोल एंड दिस इज द टू द इनपुट्स आउटपुट्स. ओके, एंड दिस वन इज द एक्टिव सीपीयू मॉड्यूल. ये जो है सीपीयू फर्स्ट जो है वो एक्टिव सीपीयू रहता है और जो बैकअप सीपीयू मॉड्यूल सीपीयू टू जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? अगर आपको बैकअप चाहिए रहता है तो हम लोग ये सीपीयू सेकेंड यूज करते हैं, बैकअप सीपीयू मॉड्यूल. ओके, सो इसके वजह से क्या होता है, अगर सीपीयू फर्स्ट में अगर कुछ फेल्योर्स है तो वो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बैकअप हमारे पास रहता है. ओके, अगर सीपीयू फर्स्ट में अगर फेल्योर हुआ, सम कुछ फॉल्ट हुआ और वो प्रोग्राम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया या फिर वो प्रोग्राम लॉस्ट हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी सीपीयू सेकेंड है, ओके, बैकअप उसमें जो है अपना अवेलेबल रहता है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जो भी फेल्योर हुआ है या फिर जो भी डेटा हमारा लॉस्ट हुआ है वो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं. इसके वजह से क्या होता है, अपना जो भी प्रोसेस है वो सेफली होता है और कम से कम एरर और कम से कम फेल्योर्स होते हैं. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी. बैकअप सीपीयू मॉड्यूल प्रोवाइड्स द रिडंडेंसी टू द एक्टिव सीपीयू मॉड्यूल. ओके, जो भी एक्टिव सीपीयू मॉड्यूल को बैकअप सीपीयू मॉड्यूल क्या करता है, रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट देखो इसमें पॉइंट, इन केस एन एरर ऑकर एसी एक्टिव सीपीयू मॉड्यूल बैकअप सीपीयू मॉड्यूल इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू एक्टिव सीपीयू मॉड्यूल फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन एंड दिस टाइप ऑफ सीपीयू आर कनेक्टेड बाय स्विच ओवर कंट्रोल. ओके, अगर जो भी अपना एक्टिव सीपीयू है उसमें अगर आपका क्या आ गया, केस या फिर एरर जनरेट हो गई है, तो जो भी बैकअप सीपीयू रहेगा अपना वो क्या करेगा, इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव सीपीयू. ओके, ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव सीपीयू मॉड्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन. मीन्स अपना जो ऑपरेशन है उसको कंटिन्यूअस करने के लिए अगर सीपीयू फर्स्ट में एरर आ गई तो सीपीयू सेकंड जो है वो एक्टिव करके काम करेगा. ओके, दिस टू सीपीयू आर कनेक्टेड बाय स्विच ओवर कंट्रोल. ये जो दोनों सीपीयू है ये कनेक्टेड किसके वजह से होते हैं, स्विच, यहाँ पे क्या रहेगा, स्विच रहेगा कंट्रोल करने के लिए. ओके, ओके, लास्ट जो पॉइंट है देखो, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज ड्यू टू रिडंडेंसी. जो भी सिस्टम है उसका जो रिलायबिलिटी है मीन्स ट्रस्टेबल रहती है. हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये सिस्टम क्या है, इसका जो ऑपरेशन है वो सेफली होता है. ओके, तो रिलायबिलिटी क्या होती है, सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रिडंडेंसी. ओके, रिडंडेंसी होने की वजह से
जो भी रिलायबिलिटी है सिस्टम की वो इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज क्या होगा, जो भी सीपीयू फर्स्ट है अगर वो इसमें एरर आ गई या फिर ये काम करना बंद हो गया तो क्या होगा, जो भी सीपीयू टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने एक्टिव सीपीयू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था इसमें एरर आ रही थी तो वो ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा, दैट इज द सीपीयू सेकेंड। ओके, और ये दोनों सीपीयू किसकी वजह से ज्वाइन मींस कंट्रोल हो रहे, बिकॉज ऑफ द स्विच कनेक्टेड है उन दोनों के इसमें। ओके, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी। ओके, सो टुडेज टॉपिक विल बी इन, सो थैंक यू वेरी मच।